सबको हमने कष्ट दिया। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष श्री विनय जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री ओपी सैनी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई प्रताप जी, मेरे नाहन पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, पूर्व प्रधान, हमारे और थापा एसोसिएशन के अध्यक्ष और नगर पालिका के उपाध्यक्ष, अन्य साथी विराजमान हैं। हम आपके माध्यम से नाहन वासियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी वो देने जा रहे हैं। नाहन से जुड़ा हुआ नाहन पंचायत के लगभग 12 गांव ऐसे हैं जो बरसों वर्षों से सड़क से महरूम हैं, और सेना क्षेत्र से, डिफेंस से होकर के उनको अपने गांव में जाना पड़ता है। हम प्रयास कर रहे थे लगातार अनेक स्थानों से इनको जोड़ने का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्वीकृति हुई। ये बिरोजा फैक्ट्री से लेकर के जाबल के बाग के लिए, परंतु सेना की भूमि बीच में आने के कारण ये काम लंबित हो गया। हमने प्रयास किया कि छोटी मोटी पुलिया बना करके सड़क चलायमान हो जाए, परंतु लगातार डिमार्केशन के अंदर इसमें सेना की भूमि आती रही, जिसके कारण ये सड़क ना चल पाई और ये 12 गांव सड़क से महरूम रहे। हम लगातार प्रयास करते रहे इस समस्या के समाधान के लिए। स्वर्गीय अरुण जेटली जी से हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद माननीय डिफेंस मिनिस्टर जो गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे, श्री मनोहर पारिकर जी स्वर्गीय, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई, माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ भी हुई, और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से अनेक बार वार्ता करके प्रयास किया, और हमारे आदरणीय चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जीएडी, इन्होंने लगातार दिल्ली में मीटिंगें की, और आज मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि जो सड़क हमारी बिरोजा फैक्ट्री से जाबल के बाग के लिए जा रही है, उस सड़क में और 1783 वर्ग मीटर भूमि डिफेंस ने सड़क के लिए लोक निर्माण विभाग को वर्किंग परमिशन देने की सहमति दे दी है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पत्र है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र है, ग्रांट ऑफ वर्किंग परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नाहन कुम्हारट्टी रोड, लिंक रोड प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू इनहेबिटेंट्स ऑफ 12 नंबर ऑफ विलेजेस। आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे द सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर ग्रांट ऑफ वर्किंग परमिशन टू पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट डिवीजन नाहन ऑन डिफेंस लैंड मेयरिंग 1783 वर्ग मीटर इन नाहन मिलिट्री स्टेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड कनेक्टिंग टू 12 विलेजेस। और इसके अंदर छावनी शमशेरपुर, विलेज मझोली, इन दो स्थानों के ये खसरा नंबर हैं, खसरा नंबर 201 छावनी शमशेरपुर, खसरा नंबर 303 डिफेंस लैंड,
और खसरा नंबर 303/1 डिफेंस लैंड, ये 1590 स्क्वायर मीटर है। और इसी तरह विलेज मझोली, इसमें 206 वर्ग मीटर और डिफेंस लैंड 431/382, ये इनके खसरा नंबर 812/736/808। ये कुल मिला करके, और मैंने बताया 1783 वर्ग मीटर। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1,12,4,550 रुपया ये डिफेंस को जमा कराएगी, और ये वर्किंग परमिशन हमको इस दिशा में प्राप्त हुई है। और ये बहुत बड़ा काम है, वर्षों से जो लोग सड़क से महरूम थे उनको ये सड़क प्राप्त होने का रास्ता स्पष्ट हुआ है, साफ हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, और केंद्र में हमें लगातार सहयोग करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का हम इसमें बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी देंगे जो समय समय के ऊपर हमारी मीटिंग्स माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिफेंस मिनिस्टर्स और हमारे सांसद गणों के माध्यम से इनके साथ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे को ये परमिशन प्राप्त हुई है। मुझे आज इतना कहना है कि हम सब्जी मंडी से सड़क निर्माण का कार्य जाबल के बाग के लिए तेज गति से चला हुआ है, और कभी आप लोग व्यक्तिगत रूप से भी चाहें तो उसको देख सकते हैं। हमारे प्रधान उप प्रधान खड़े होकर के उस सड़क को बना रहे हैं, और जाबल के बाग से आगे की क्लियरेंस आज हमें मिली है, और हम आशा करते हैं कि एक बहुत बड़ा जो रुकावट का काम था उसमें बहुत बड़ा रिलीफ हमको मिला है। इसके बाद हमारा अगला जो स्टेप रहेगा उसमें जो सेना क्षेत्र के अंदर बसे हुए लोग हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारी अनेक अनेक बैठकें हो चुकी हैं, पर उस दिशा में हम अगला काम करेंगे। हमने पूरी समस्याओं को तीन हिस्से में बांटा था। पहला हिस्सा है रोजमर्रा जो विभागीय कार्रवाई है उसके अंदर SDM के लेवल के ऊपर सरलीकरण तरीके से काम हो। दूसरा, ये जो सड़क है इसकी हमको क्लियरेंस मिले। और तीसरा, जो सेना क्षेत्र के अंदर बसे हुए लोग हैं जिनका लगभग 497 बीघा जमीन का मामला है, उस तीसरे मामले को लेकर के अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आज आपको परमिशन दी है, इसकी कॉपी हम आपको दे रहे हैं। दो दिन पहले ही माननीय राजनाथ सिंह जी ने इस फाइल को साइन किया है, और अब आगे इस दिशा में हिमाचल प्रदेश की सरकार और डिफेंस को किस तरह से पैसे का ट्रांजेक्शन करती है वो सारे काम आगे बढ़ेंगे। नहीं, अभी तो इस सड़क को बनने दो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रियम्प्ट अगर जे करेंगे तो अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होंगे। पहला तो ये है कि हमारे गांव को कनेक्टिविटी जो बहुत सख्त ज़रूरत थी, और ये छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे लोग आए गए नहीं हुआ, और ये आज हुआ है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्षम प्रयासों से हुआ। तो आप डॉक्टर साहब कह सकते हैं जी कि जैसे ये जो सड़क जो थी, ये बाईपास
सॉरी जो धारकारी तक सड़क बननी थी, ये पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के समय में ही इसकी स्वीकृति हुई थी और अब आप ही की सरकार में इसका जो मैंने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के अंदर और माननीय प्रेम कुमार धूमल जी उस समय मुख्यमंत्री थे जब ये स्वीकृति हुई, कार्य शुरू हुआ परंतु सेना की भूमि के आने के कारण ये कार्य रुका और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में होने के कारण, प्रदेश में बीजेपी की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में होने के कारण ये संभव हुआ। कल रात हमने बहुत और उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है और हम माननीय राजनाथ सिंह जी का भी कोटि कोटि आभार व्यक्त व्यक्तिगत रूप से मिल करके करेंगे और उनके सामने जो हमारी अगली समस्या है उसको भी और माननीय राजनाथ सिंह जी के सामने रखें। तो कह सकते हैं जी डबल इंजन सरकार का ये पहला जो बड़ा तोहफा है नाम को मिला है। पहला तो नहीं है, अनेक मिल चुके हैं, मेडिकल कॉलेज के पैसे मिल रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मिल रहा है, 48 पुलों के ऊपर काम चला हुआ है, पैसे धना धना आ रहे हैं, तो ये डबल इंजन की सरकार से आ रहे हैं। ये तो हो गया, इससे भी